राजन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपने देवर अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा था? उस दिन सिमी के स्कूल के बाद उसे वहां से पिक करने गई थी, और तभी मैंने देखा कि वहां पर देखिए कोर्ट को आपकी राम कहानी सुना। उस दिन मैं सिमी को उसके स्कूल से पिक करने गई थी उसके स्कूल के बाद, और तभी मैंने देखा कि वहां पर देखिए कोर्ट को आपकी राम कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना पूछा जाए उसी उतनी बात का जवाब दीजिए प्लीज। अगर मैं पूरी बात नहीं कहूंगी तो पता कैसे चलेगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था? आपसे सिर्फ हाँ या ना पूछ रही हूँ। क्या आपने उस दिन जिम के सामने अभिमन्यु रायचंद ने राकेश कुमार को बेरहमी से मारा था, ये आपने अपनी आंखों से देखा था या नहीं? मैं आपको शुरू से बताती हूँ उस दिन हुआ क्या था। उस दिन जब मैं सिंह, देखिए मैं मानता हूं कि आप पहली बार कोर्ट आई हैं, लेकिन ये तो देखिए गजब की बात तो यह है कि आपने कोर्ट को म्यूजियम ही समझ लिया है। इधर उधर देखना बंद कीजिए मैडम, और कृपया सीधी पॉइंट पे बताइए आपने उन्हें देखा था अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा था या नहीं? देखिए केस इस बारे में नहीं है कि आप सिमी को स्कूल में बस से लेने गई थी, ऑटो से लेकर गई थी या टैक्सी से लेकर गई थी, या फिर इस बारे में भी नहीं है कि आपने उसका दायां हाथ पकड़ा हुआ था या बायां हाथ पकड़ा हुआ था। केस इस बारे में है कि आपने अपने देवर को राकेश कुमार को मारते हुए देखा था, अभिमन्यु रायचंद को राकेश कुमार को मारते हुए देखा था या नहीं? आप सीधे सीधे जो कहा जाए हां या ना में जवाब दीजिए। अगर आप सीधे जवाब नहीं देती हैं तो इसका मतलब मैं जान लेता हूं कि ये जानबूझकर कोर्ट का वक्त जाया कर रही हैं और कोर्ट को गुमराह कर रही हैं ताकि ये इनकी जान बचा सके। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मिसेस विधि रायचंद एक लौती विटनेस होने के नाते पूरा इंसिडेंट बताने का हक ये रखती है। एंड आई थिंक वी शुड गिव हर दैट ऑपर्चुनिटी। एक हाई या ना से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते के अभिमन्यु गिल्टी है या नहीं। माय लॉर्ड, के अभिमन्यु ने इतना जोर से मारा था कि राकेश की ऑन द स्पॉट डेथ हो या फिर चोट उतनी गहरी थी, वी कांट डिसाइड दिस माय लॉर्ड। एक हाँ या ना से ये पता नहीं चलता है। आई ऑब्जेक्ट। देव रायचंद अक्यूज की भाभी है, ऐसा मैं उनकी साइड की स्टोरी से सोच से सकता है, और वैसे भी वो आई ऑब्जेक्ट। मिलोट, विधि देव रायचंद अभिमन्यु रायचंद की भाभी, अगर केस को सिर्फ इनके नजरिए से देखा जाएगा तो सत्य इस कोर्ट में दब जाएगा और सत्य हार जाएगा, और सत्य यही है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। और मैं ये